वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इंट्रोवर्ट का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि इंट्रोवर्ट वर्ड का हम सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोवर्ट की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। INTROVERT वर्ड, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को हम इंट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टिंग भी कहते हैं। तो आइए हम इंट्रोवर्ट का मीनिंग समझ लेते हैं। Someone who is shy, quiet and prefers to spend time alone rather than often being with other people. जब कोई व्यक्ति शर्मीला, शांत है और अक्सर अन्य लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले समय बिताना पसंद करता है, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो आइए इसे बेहतर समझने के लिए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं विद द वर्ड इंट्रोवर्ट। दैट यंग मैन इज एन इंट्रोवर्ट। दैट यंग मैन इज एन इंट्रोवर्ट। वह युवक एकांत में रहना पसंद करने वाला है। ही इज एन इंट्रोवर्ट हु डज नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटीज। ही इज एन इंट्रोवर्ट हु डज नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटीज। वह एक अंतर्मुखी है, यानी इंट्रोवर्ट है, जो किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता है। ही इज एन इंट्रोवर्ट सो ही ट्राइज टू अवॉइड सोशल गैदरिंग्स। ही इज एन इंट्रोवर्ट सो ही ट्राइज टू अवॉइड सोशल गैदरिंग्स। वह एकांतवासी है, इसीलिए वह सामाजिक समारोह से बचने की कोशिश करता है। तो आइए हम इंट्रोवर्ट के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स देख लेते हैं। लोनर, अकेला रहने वाला। रिजर्व्ड, अलग रहने वाला। शाय, संकोची व्यक्ति। हर्मिट, एकांतवासी। वही इंट्रोवर्ट के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। तो जहां एक ओर इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्ति, यानी जो शांत स्वभाव है और लोगों से कम बातचीत करना पसंद करता है, वहीं उसका ऑपोजिट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, जो खूब मिलने जुलने और बातें करने वाला व्यक्ति है। सासी, जिंदा दिल व्यक्ति। कम्युनिकेटिव, मिलनसार। पीपल पर्सन, सामाजिक व्यक्ति। तो सिंपल शब्दों में इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्ति, शांत स्वभाव का, लोगों से कम बात करने वाला, एकांत में रहना पसंद करता हो, जो अपने विचार व्यक्त ना करने वाला, आत्मलीन व्यक्ति, शर्मीला, या जो खुलकर लोगों से मिलना जुलना ना चाहता हो। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप इंट्रोवर्ट शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन, कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।